हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की रेसिपी बनाने चलते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ तरोई की सब्ज़ी। तो उसके लिए सबसे पहले एकदम पतले पतले और नरम नरम तरोई हमें लेनी होगी। तो इस तरोई को देखिए एकदम नरम है, तो इसको छील लेंगे और उसके बाद इसको क्रॉस आकार का चीरा लगा दूँगी मैं। और इसको बिल्कुल नीचे तक नहीं काटेंगे, बस ऊपर से थोड़ा सा ये चीरा लगाएंगे, नीचे जुड़ा रहेगा। तो इस तरह से मैं सारे तरोई को क्रॉस आकार का चीरा लगा लूँगी। उसके बाद एक आलू ली हूँ, इस आलू को मैं थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में भी काट लूँगी। याद रखिएगा कि इस तरोई की सब्ज़ी के लिए एकदम नरम तरोई ही होनी चाहिए और पतली पतली छोटी छोटी होनी चाहिए, इससे सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो लीजिए, मैंने आलू भी काट लिए हैं, थोड़े बड़े बड़े हैं। और उसके लिए एक पेस्ट तैयार करती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक प्याज, तीन हरी मिर्च और एक इंच अदरक का टुकड़ा ली हूँ और इसको मिक्सी में जार में मैंने पीस लिया है। इस पेस्ट में आप कुछ मसाले डाल देंगे, तो उसमें मैं सबसे पहले नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार। उसके बाद जीरा पाउडर डाल रही हूँ आधे चम्मच, और आधे से थोड़ी सी कम काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे इसमें, और इसमें आधी चम्मच धनिया का पाउडर डाल देंगे और आधी से कम थोड़ी सी हल्दी का पाउडर डाल देंगे। अब इन सब पेस्ट में सभी मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। हाथों से मिला लीजिए या चम्मच से मिला लीजिए। हाथों से मैं इसलिए मिला रही हूँ कि तरोई में अभी सारे पेस्ट को डालना है, उस मसाले में भरना है। तो लीजिए, हमारा ये पेस्ट अच्छी तरह से मिल चुकी है। अब इस तरोई में मैंने जो चीरा लगाई हूँ, उस सभी तरोई में इस पेस्ट को अच्छे से भर दूँगी। जितनी सारी तरोई है इन सब में इन मसालों को अच्छे से भर दूँगी। अब सभी तरोइयों में मैंने मसाले के पेस्ट को अच्छी तरह से भर दी हूँ। अब गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ। जब तेल गर्म हो जाए तो सारी तरोइयों को इसमें अच्छे से डाल देंगे और एक जो आलू मैंने काट के रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे और इसको मीडियम आंच पर ही 3-4 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद इसको चलाएंगे और इसको हल्के हाथों से ही चलाएंगे, नहीं तो तरोई क्या टूट जाएगी। तो इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर पर इसको चला लेंगे और इसको ब्राउन होने तक थोड़ा पकाएंगे इसको। तो इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। देखिए थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो गई है, तो थोड़े से मसाले मेरे बच गए थे तो इसमें डाल दूंगी और उसी में थोड़ी सी पानी भी इसमें डाल दूंगी और इसको पकने देंगे मीडियम आंच पर। और अगर आपको ग्रेवी की ज़रूरत है तो इसमें थोड़ा सा रस रहने दीजिएगा। अगर आपको मुझे सूखी सब्ज़ी बनानी थी तो मैंने सारी ग्रेवी को सुखा दी हूँ। और देखिए, ये हमारी तरोई की सूखी सब्ज़ी तैयार है। आप इसे रोटी या पराठे या पूड़ी किसी के संग भी खा सकते हैं, वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो तैयार है हमारी ये तरोई की सूखी मसालेदार सब्ज़ी।